आंगनबाड़ी सहायिका ने मौत को गले लगाया। 3 बच्चों के साथ सुसाइड, मिस्ट्री क्या है? मां ने बच्चों के साथ दी जान, जिसने सुना हो गए हैरान। एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। मामला कैमूर जिले से सामने आया है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के पत्रिहा गांव में सोमवार की सुबह आंगनबाड़ी सहायिका रिंकू देवी 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ मौत को गले लगा ली। वहीं जब इस मामले की सूचना ग्रामीणों को मिली तो मौके पर भारी भीड़ जुट गई। जैसे तैसे शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक महिला अपने बच्चों के साथ गांव के उत्तर दिशा से भगवानपुर नौगढ़ पथ की ओर जा रही थी और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। चलिए अब आपको बताते हैं इस मामले पर थानाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। पतरिया गांव में एक रिंकी देवी नाम करके एक लेडी थी, वो अपने 3 बच्चे को लेकर के कुआं में कूद गए। 3 बच्चे का भी और रिंकी देवी का मृत्यु हो गया। क्या लोग बता रहे हैं? लोग बता रहे हैं, वहाँ तो कोई क्लियर नहीं बता रहा था, लेकिन पता चला है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, इस वजह से था। चार की मौत हो गई कुएं में। कुएं से सब पता चला तो आधे से पौन घंटे के अंदर हम लोग निकाल लिए सब को। पानी ज़्यादा था लेकिन उसको हम लोग प्रयास करके निकाले। उसको बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक लेडीज, एक लड़की है और 3 बच्चा है जेंट्स। सब के कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा चल रहा था। फिलहाल मृतका के पति को भगवानपुर थाने में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पंचायत के मुखिया ने भी आपसी विवाद की पुष्टि की। यहां गांव पड़ता है, सुबह हमको सूचना मिला, वहां गए तो गांव के लोग यही बता रहे थे कि घरेलू आपसी विवाद में ये औरत सुबह के टाइम जाके कुआं में 3 बच्चों के साथ कुआं में कूद गई। उसके बाद लोग ढूंढने लगे तो चप्पल दिखा है कुआं में, उसी से लोगों को पता चला कि इसी में है, तो लोग निकाले। कितने बच्चे थे उसमें? 3 बच्चे हैं। बच्ची या बच्चा? 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची। कौन गांव का मामला है? पते रही अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस से क्या की? प्रशासन से अभी तत्काल का घटना है, प्रशासन को लगी हुई है इसमें। लाश को निकाल लिया गया है? जी। लाश कहाँ लाया गया है? लाश सदर अस्पताल भगवान पोस्टमार्टम। इस पूरे मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, लोग हैरान हैं, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ लाइफ, कैमूर।